वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फिर हेरा फेरी और हेरा फेरी के बारे में। वेल फ्रेंड्स, पिछला 2-3 महीना काफी दिलचस्प रहा है, जब से फिरोज नडियाडवाला ने प्रिया दर्शन जी के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए, इसको सुन के सिर्फ हेरा फेरी के फैंस नहीं बल्कि प्रिया दर्शन जी के भी फैंस, इवन अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा उत्तेजित हो गए। उसके बाद प्रिया दर्शन जी ने जब हंगामा द्वितीय के प्रमोशन शुरू किए तो उन्होंने भी काउंटर में बहुत सारे जवाब दिए फिर हेरा फेरी को लेकर। एंड ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की है। हमने ये भी कहा था कि पूरा का पूरा क्रेडिट हेरा फेरी का प्रिया दर्शन से लेकर नीरज वोरा जी को देना, जो कि अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है, वो बहुत ही गलत है। फिर हेरा फेरी भले प्रिया दर्शन जी ने नहीं बनाई है, लेकिन हेरा फेरी का क्रेडिट उनको ही जाना चाहिए। लेकिन गाइस, आज जो कहानी हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने कही है, वो सुन के आपको ये बात का यकीन हो जाएगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एंड ये पहलू सुनने के बाद अब जनता डिसाइड करे आगे क्या होने वाला है। एंड ये चीज को यही खत्म करो। अरे 20 साल पहले की बातें आज के दौर में निकाल के क्या मतलब है? वो अपनी जगह फिल्में बना रहे, तुम अपनी जगह फिल्में बनाओ। हाँ, प्रिया दर्शन इज एन आइकॉनिक डायरेक्टर, आई मीन द बॉडी ऑफ वर्क प्रिया दर्शन ने इतना किया है ना कि आने वाली जिंदगी में वो 50 फ्लॉप बनेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, हर डायरेक्टर के जिंदगी में एक पॉइंट आता है व्हेन ही लूजेस हिज मिडास टच। हमने देखा है, सुभाष घई के साथ देखा है, जेपी दत्ता जी के साथ देखा है, आइकॉनिक डायरेक्टर्स लॉस्ट देयर टच कंप्लीटली। राम गोपाल वर्मा एक लेजेंडरी डायरेक्टर किस तरह से आज ऐसी फिल्म में बनाता है कि देखने लायक नहीं है। एंड ऐसा हर आदमी के साथ होता है, तो प्रिया दर्शन जी के साथ भी हो रहा है। हंगामा 2 देखकर आप सभी लोगों को काफी ज्यादा दुख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा कि इतने साल बाद हिंदी में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना टच लूज नहीं किया है। उनकी फिल्म आ रही है मरक्कर, जिससे वो वापस कम बैक करेंगे। और अक्षय कुमार के साथ भी उनकी फिल्म अगले साल, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन गाइस, अब क्या हुआ है मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता रहा हूँ। फिरोज नडियाडवाला जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं प्रिया दर्शन जी के जो बयान है उससे तंग आ गया कि उन्होंने हेरा फेरी 2 को रिजेक्ट किया है। प्रिया दर्शन जी हमेशा कहते हैं मुझे हेरा फेरी 2 बनानी नहीं थी, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर नडियाडवाला कह रहे हैं कि यहाँ पर जब 2000 में हेरा फेरी आई थी उसकी असली सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्रिया दर्शन जी ने कहा कि उन्होंने फिर हेरा फेरी डायरेक्ट करने से मना कर दिया। हाँ, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि असलियत में क्या हुआ। इतने साल से मैं चुप रह रहा था, मैंने आज तक कुछ भी नहीं बोला इसको लेकर, क्योंकि मैं प्रियन जी की दिल से रिस्पेक्ट करता था। वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर है, लेकिन उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा मेरे पिता को एंड मेरे बारे में गलत बोलने के लिए। वो बात भी कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने हेरा फेरी 2 का ऑफर रिजेक्ट किया। हाँ, एंड थर्ड पार्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। प्रिया दर्शन जी ने यह भी कहा था कि मैं हेरा फेरी 3 नहीं बना रहा हूँ, सभी लोगों को पता है। एंड हेरा फेरी 2 भी उन्होंने रिजेक्ट किया है, जबकि उन्होंने पहली फिल्म ही कम्प्लीट नहीं की थी। जस्ट इमेजिन, हेरा फेरी अभी आज 20 साल हो गए एंड फिरोज नडियाडवाला आज आके बोलता है कि प्रिया दर्शन ने वो हेरा फेरी पार्ट 1 कंप्लीट ही नहीं की थी। नडियाडवाला कह रहा है कि जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स है, राजू, घनश्याम, बाबूराव, वो सब कुछ यहाँ पर प्रिया दर्शन जी ने डिजाइन किए ही नहीं थे। उसने एक फाइनल कट होता है जो डायरेक्टर अपने एडिटर को देता है, उसको काट झाट के वो लोग पूरी की पूरी पिक्चर बनाते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रिया दर्शन ने जो पूरी शूटिंग की थी वो 3 घंटा 40 मिनट की थी। लहरे का नाम सुना है? लहरे यूट्यूब चैनल है, वहां पे पुरानी पुरानी फिल्मों के आपको ओल्ड विंटेज शूटिंग वीडियोस दिखेंगे। वहां पे जाके आप एक वीडियो देखिए फिर हेरा फेरी की शूटिंग का, अलग ही सीन्स दिखाई देंगे। अक्षय कुमार कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं वहां पर कि ये ऐसी फिल्म है, इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। एंड वो उस इंटरव्यू से आपको यकीन हो जाएगा कि ये 3 घंटा 40 मिनट की उनकी जो वर्जन थी प्रिया दर्शन जी की, वो फुल ऑफ डिप्रेसिंग सीन्स थे। वो पूरी पिक्चर एक डिप्रेसिंग पिक्चर थी एंड लॉट ऑफ ह्यूमरस डायलॉग्स वर डिलीटेड, ऐसा उनका कहना है। एंड ही वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग द BGM एंड द डबिंग, यानी कि प्रिया दर्शन जी जो बैकग्राउंड हम फिल्म का कर रहे थे एंड डबिंग से पूर्ण तरीके से नहीं थे वहां पर। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे प्रिया दर्शन जी फिल्म बनाए वो गायब हो गए एंड उसके बाद जो स्वर्गवासी नीरज वोरा जी है उनके साथ बैठकर एंड कोरियोग्राफर अहमद खान, जो खुद एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सभी लोगों को पता है, अभी अच्छे है कि नहीं आप डिसाइड कीजिए। मेरे को तो उनकी लकीर फिल्म बहुत पसंद आती है, तभी भी टीवी पे आती मैं जरूर देखता हूँ। अहमद खान वो ऑल्सो डायरेक्टर हिमसेल्फ, तभी हाँ ऑब्वियसली नया बच्चा था, कोरियोग्राफर था
एंड उन्होंने कहा कोरियोग्राफर अहमद खान नीरज बोरा के साथ मिल के हमने एडिट टेबल पर हेरा फेरी को 2 घंटा 10 मिनट की पिक्चर बनाई, सब डिप्रेसिंग सीन निकाल के फेंक दिए उसमें से एंड 2 गाने भी ऐड किए, जब भी कोई और तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन, और वो गाने कितने हिट हुए थे, क्या कहती है मेरी आंखें, क्या गाने थे भाई, अल्टीमेट सॉन्ग्स थे। एंड यहाँ पर ये भी आपको सुन के शौक होगा कि प्रियदर्शन की जो पिक्चर थी हेरा फेरी वो कॉमेडी फिल्म नहीं थी, बट इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एन इकोनॉमिकली चैलेंज्ड फैमिली। ओके, यहाँ इसीलिए वो नीरज बोरा को क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने पंच लाइन एडिट किए, सैड सीन हटा दिए इस पिक्चर में से, हम उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइजेशन की, अक्षय कुमार ने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन की डबिंग के दौरान एंड ऑडियंस को आज तक ये बात पता नहीं चली है। तो कहते बहुत बड़ा खुलासा है एंड 20 साल के बाद ये सब चीज़ें बोलने का क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता। पास्ट की बातें निकाल के आज यहाँ पर लेके आना, ये यहाँ पर जो ब्रांड हेरा फेरी है आई थिंक उसी को इफेक्ट कर रहा है। हाँ, एंड आई थिंक ये सब चीज़ें पास्ट में रखो, भूल जाओ इसको, जो हुआ वो हुआ, एंड आगे एक अच्छा डायरेक्टर पकड़ के हेरा फेरी 3 अनाउंस करो। परेश जी ने कहा है कि दिसंबर एंड में हम हेरा फेरी 3 ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं। प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं हुआ, नडियाडवाला ने यहाँ पर फिल्म की जो रिलीज अनाउंस की तब पंजाब से एक फिल्म मेकर आया एंड उन्होंने कहा कि रामजी राव स्पीकिंग जो प्रियदर्शन जी की ओरिजिनल पिक्चर है उसका जो हिंदी रीमेक राइट है वो उसके पास है। एट नो पॉइंट, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ उनके वर्ड्स, एट नो पॉइंट हैड प्रियदर्शन टोल्ड अस दैट ही हैज सोल्ड द राइट्स टू अनदर फिल्म मेकर, यानी कि फिल्म ही बना दिया एंड उसके राइट्स किसी और फिल्म मेकर को बेच दिए। एंड गाइज यहाँ पर मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा वो मैटर सॉल्व करने के लिए। मैं एक बात बोलूँ, ये पूरे इंसिडेंट पर एक हेरा फेरी बन सकती है कि ये कॉमेडी होते जा रहा है अभी। हाँ, एंड लेटर नैरवाला जी की जो बहन है नूरी जी, उन्होंने एक स्क्रीनिंग रखी थी प्रियदर्शन जी के लिए और उनके परिवार के लिए चेन्नई में एंड ही डिड नॉट टेल हर कि उसने प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया है प्रियदर्शन ने। एंड वो पहली बार था जब उसने फिल्म का फाइनल कट देखा एंड वो उसकी फिल्म से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो ऑडियंस जो देखी है वो प्रियदर्शन जी की पिक्चर नहीं थी, वो हमारा वर्जन था, फाइनल पिक्चर था। हाँ, एंड यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि प्रियदर्शन ने बहुत कोशिश की उस जमाने में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी एंड परेश रावल जी को मना करने के लिए कि तुम लोग जो हेरा फेरी का दूसरा पार्ट है यानी कि फिर हेरा फेरी वो मत करो तुम लोग। ओके गाइस, ये तो एक अलग ही कहानी है। क्या कहना है आपको इस सारी चीज़ों पर? मेरे को बस एक ही चीज़ कहना है, मेरे को हेरा फेरी 3 चाहिए। ओके, विद ऑल द 3 मेन स्टार कास्ट एंड उसको कोई अच्छा डायरेक्टर करे, दैट्स इट। ये सब कहानी हो गई पुरानी, आई थिंक अब इसके बारे में बात भी करना सही नहीं है। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन आर कोलैबोरेटिंग नेक्स्ट ईयर फॉर अ गुड मूवी। स्टे कूल मैन।